Good morning, BCom third year. In the last lecture, we have discussed about the working capital management. Okay, how to manage working capital, under which we have discussed type concept of working capital. Then first concept is your traditional or balance sheet concept, and second concept था तुम्हारा net working capital. हमने फर्स्ट कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर लिया था, यानी ट्रेडिशनल कैपिटल या वर्किंग ट्रेडिशनल कंसेप्ट या फिर किसी बैलेंस शीट कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया था. अब हम बात करेंगे तुम्हारी नेट वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट. सेकंड कंसेप्ट क्या है तुम्हारा? नेट वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट. ओके, ये आज हम डिस्कस करेंगे तुम्हारा नेट वर्किंग कैपिटल. यहां देखो, ये उदाहरण, ये कंसेप्ट कह सकते हैं कि इसका मींस क्या होता है. यानी कि फर्स्ट हमारे पास में था ट्रेडिशनल कंसेप्ट, इसमें क्या था कि टोटल एसेट्स, जो तुम्हारी टोटल करंट एसेट्स थी, करंट एसेट्स की जो टोटल थी वही तुम्हारी क्या थी, वर्किंग कैपिटल कहलाती थी. जब हम ट्रेडिशनल मेथड पढ़े थे, ट्रेडिशनल कंसेप्ट का डिस्कस किया था, तो क्या था कि करंट एसेट्स की टोटल ही तुम्हारी वर्किंग कैपिटल है. ओके, बट अब हम बात कर रहे हैं नेट वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट के बारे में. तो यहां पर इसने कहा है तुम्हें कि वर्किंग कैपिटल को हम किस रूप में मानेंगे. वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. यानी कि तुम्हारी यहां पर नेट वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट क्या कहता है कि वर्किंग कैपिटल क्या होगी तुम्हारी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. यानी कि एक्सिस ऑफ करंट एसेट्स इट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. यानी किसके अगेंस्ट हो वर्किंग कैपिटल एक्सिस, किसके अगेंस्ट हो करंट एसेट. यानी कि करंट चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर अधिक के लिए, यानी कि जो अधिक होगा वो तुम्हारा कहलाएगा वर्किंग कैपिटल. यानी कि फॉर्मूले के रूप में देखें तो वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. ये इस कंसेप्ट की, ये कंसेप्ट क्या कहता है, ये नेट वर्किंग कंसेप्ट का मेन पॉइंट ये है कि इसने कहा है कि तुम्हारी करंट एसेट्स के एक्सिस इस पर करंट लायबिलिटी पर हो गया मिलाएगा तुम्हारा वर्किंग कैपिटल. ओके, यहां तक कंप्लीट तुम्हारा. अब हम क्या करना है कि ये जो तुम्हारे पास में वर्किंग कैपिटल है, ये जो वर्किंग कैपिटल होगी तुम्हारी वो क्या थी तुम्हारी, मात्रात्मक थी. अगर मैं बात करता हूं ट्रेडिशनल की तो वहां पर हम किसको रखते, वहां पर हम ध्यान देते क्वांटिटेटिव. ओके, क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं, बट यहां पर क्या होगा, क्वालिटी पर डिपेंड करेंगे. अब क्वालिटी मीन्स क्या हुआ कि हमने क्या किया, करंट एसेट्स से करंट लायबिलिटी को लेस कर दिया तो क्वालिटी बन गई. पहले क्या थी, टोटल करंट एसेट्स इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल, जो भी टोटल करंट एसेट्स थी उनको ऐड कर लो वही तुम्हारी क्या हो गई, वर्किंग कैपिटल. बट अब हमने क्या किया, एक क्वालिटी निकाली कि करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को लेस कर ले, जो बचे वो तुम्हारी क्या कहलाएगी, वर्किंग कैपिटल. तो यानी कि जो वर्किंग कैपिटल है वो अब किसके ऊपर डिपेंड है, ये जो कंसेप्ट है ये तुम्हारी क्वालिटेटिव अप्रोच पर डिपेंड है. आगे समझ रहे, जो ये तुम्हारा क्वालिटेटिव अप्रोच पर डिपेंड है, यानी कि जो अपन ने पढ़ा है कि वर्किंग कैपिटल माइनस करंट लायबिलिटी थी क्या क्वालिटी है. अब पहले तो क्या कर रहे हैं, करंट एसेट्स इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल लिखते हैं, बट अब क्या हो गया कि वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. ओके, कंप्लीट यहां तक. अब ये जो यहां पर बात करते हैं तो नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, बिजनेस की करंट एसेट्स का वह भाग है जिसका अर्थ प्रबंध दीर्घकालीन पूंजी से किया हो. अर्थात वहां पर क्या था, यहां पर करंट एसेट्स का मतलब वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या बना था कि तुम
करंट एसेट्स का प्रबंध दीर्घकालीन या फिर अल्पकालीन दोनों ही वित्त से कर सकते हो, पूंजी से कर सकते हो, बट इसमें इसने कहा है कि तुम्हें वर्किंग कैपिटल का प्रबंध किससे करना है, ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल से ही करना है। तो यहां पर अपन ने लिख दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल, यानी कि ये किससे हो रही है तुम्हारी, यहां पर तुम जो तुम्हारी वर्किंग कैपिटल है वो किससे होगी, लॉन्ग टर्म फंड से होगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल से ही तुम तुम्हारी वर्किंग कैपिटल का प्रबंध करोगे, यानी कि उसे प्राप्त करोगे। अर्थात दीर्घकालीन पूंजी जुटाई गई काल चालू संपत्तियों का वह भाग ही कार्यशील पूंजी कहलाता है। ओके, चालू संपत्तियों, अब इसके लिए तर्क क्या है, तो अब इस चीज को समझने के लिए वहां पर भी तर्क देंगे, यहां पर भी तर्क देंगे कि ये जो चीजें लॉन्ग टर्म कैपिटल के से ही हम अरेंज कर सकते हैं, यानी कि वर्किंग कैपिटल अरेंज टू लॉन्ग टर्म कैपिटल, लिख लेता हूं पूरा तुम्हें याद रहेगा कि वर्किंग कैपिटल अरेंज थ्रू लॉन्ग टर्म कैपिटल। ओके, यानी कि वर्किंग कैपिटल का अरेंजमेंट कहां से होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल से ही होगा यहां पर। अब इस चीज को समझने के लिए यानी कि हम लॉन्ग टर्म से कैसे लेते हैं, तो इस चीज के लिए तुम्हारे पास में पहला पॉइंट है, हमने क्या कहा था कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, पहला पॉइंट तुम्हारी गलती हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को लेस कर रहे हैं, तो चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर अधिक है, यानी कह सकते हैं कि करंट एसेट्स, पहला तर्क तुम्हारा यही है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, पहली चीज। ओके, अब अगली चीज क्या तुम्हारे पास में, सेकंड तक चालू संपत्तियों का प्रबंध दीर्घकालीन पूंजी से कर रहे हैं, अगला क्या हो गया तुम्हारे पास में कि हम क्या कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल, यानी कि हम लॉन्ग टर्म कैपिटल का यूज कर रहे हैं इनको प्राप्त करने के लिए। तो यानी कि ये तुम्हारा जो नेट वर्किंग कैपिटल है, इसके कंसेप्ट को समझने के लिए दो चीजें, कि पहला क्या हो गया करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और सेकंड क्या हो गया कि हमने जो वर्किंग कैपिटल का अरेंजमेंट किया है वो किससे किया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल से किया है। जब वहां पर बात करते हैं तो वहां पर तुमने दो पॉइंट वहां पर पढ़े थे कि अगर मैं ये कहूँ कि ये क्या है तुम्हारा बैलेंस शीट मेथड या फिर कंसेप्ट है, या फिर तुम्हारा क्या कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड में, सॉरी ट्रेडिशनल मेथड में पहला बड़ा सकल ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हमने क्या पढ़ा था कि करंट एसेट्स की टोटल ही तुम्हारी वर्किंग कैपिटल कहलाती है। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए, यानी कि ये क्वांटिटेटिव अप्रोच पर डिपेंड करती है, अब इस चीज को प्रूव करने के लिए हमने क्या कहते कुछ एक्सप्लेनेशन दिए थे। तो पहला एक्सप्लेनेशन क्या था कि टोटल एसेट्स, तो टोटल करंट एसेट्स का को हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल से या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल से किसी से भी अरेंज किया हो वो तुम्हारी क्या कहलाती थी, वर्किंग कैपिटल मानते थे। फर्स्ट क्या हो गया, अगर मैं करंट एसेट्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल से अरेंज करूँ या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल से अरेंज करूँ, दोनों ही कंडीशन में वो मेरी क्या कहलाएगी, वर्किंग कैपिटल कहलाएगी। बट यहाँ पर क्या है कि तुम्हें वर्किंग कैपिटल अरेंज करनी है ओनली थ्रू लॉन्ग टर्म कैपिटल से। ओके, सेकंड क्या हो गया कि जब मैं ये कह सकता हूं कि फिक्स्ड जो कैपिटल है वो फिक्स्ड एसेट्स को शो करती है, यानी कि मैं फिक्स्ड कैपिटल से फिक्स्ड एसेट्स को परचेस कर सकता हूं, तो इसका मीन तुम्हारे पास में जो करंट एसेट्स है वो वर्किंग कैपिटल को शो करेगी, राइट है। यानी कि अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो तुम्हारी जो फिक्स्ड कैपिटल है वो किसके लिए यूज होती है, फिक्स्ड एसेट्स के लिए। तो क्या करंट एसेट्स जो होगी वो वर्किंग कैपिटल के लिए यूज नहीं होगी, तो सेकंड इसने ये रीजन दी थी कि कंडीशन ये भी
फील होती है। और लास्ट इसने कहा था कि कुल संपत्तियों के आधार पर ही प्रबंधक अपनी योजना बनाता है। तो सर खड़ बन सकता क्या हुआ कि कुल संपत्ति यानी कि कुल एसेट्स को कुल करंट एसेट्स के बिहाफ पर ही एक प्रबंधक के मैनेजर्स अपनी फ्यूचर प्लानिंग बनाता है। तो ये तीनों कंसेप्ट क्या हो गए तुम्हारी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के कंसेप्ट को शो करते हैं। बट यहाँ पर ये दो कंडीशन से वो तुम्हारी नेट वर्किंग कैपिटल के कंसेप्ट को प्रूव करते हैं। ओके, यहाँ तक कंप्लीट। अब बिजनेस के व्यवसाय दृष्टिकोण से सकल कार्यशील पूंजी एवं लेखांकन दृष्टिकोण से शुद्ध कार्यशील पूंजी का विचार उपयुक्त प्रतीत होता है। यानी कि अगर मैं बिजनेस के दृष्टिकोण से यानी कि कॉमर्शियल दृष्टिकोण से बात करता हूँ, कॉमर्शियल की बात करता हूँ अगर, तो वहां पर मेरे पास क्या होनी चाहिए, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। बट अगर मैं अकाउंटिंग कंसेप्ट की बात करता हूं, अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग बात करूं, तो वहां पर मेरे लिए नेट वर्किंग कैपिटल सुटेबल है। समझ गए? अगर मैं कॉमर्शियल एंड बिजनेस के पर्पस से देखता हूं तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मेरे लिए सुटेबल है। बट अगर मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग बात करता हूं, अकाउंट्स के अकॉर्डिंग बात करता हूं, तो मेरे लिए कौन सा जरूरी है, नेट वर्किंग कैपिटल ट्रीटमेंट सही है। ओके, कंप्लीट। यहां तक ये तुम्हारी क्या हो गई, फर्स्ट जो मेथड था तुम्हारा ट्रेडिशनल या बैलेंस शीट मेथड। ट्रेडिशनल और बैलेंस शीट मेथड में दो मेथड थे, पहला था ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, सेकंड था तुम्हारे पास में नेट वर्किंग कैपिटल कांसेप्ट। अब बात करते हैं तुम्हारा ऑपरेटिंग साइकिल कांसेप्ट। पहला कांसेप्ट तुम्हारे पास में क्या था, बैलेंस शीट या फिर ट्रेडिशनल। अगला सेकंड तुम्हारे पास में क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, यानी कि परिचालन चक्र अवधारणा, हिंदी में कहते हैं इसे चालन चक्र अवधारणा। ओके, ये तुम्हारी सेकंड कंसेप्ट की बात करते हैं, परिचालन चक्र अवधारणा। ये एक तरह से न्यू कंसेप्ट है वर्किंग कैपिटल का, और इसी के रिलेटेड तुम्हारे को एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यानी कि हमें इसको अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से समझना होगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। देखो, कार्यशील पूंजी क्या होती है, उपक्रम की संपूर्ण पूंजी का वह भाग है जो चालू संपत्तियों के चालू दायित्वों पर अधिक को व्यक्त करता है। यानी कि ये भी क्या कहती है कि वर्किंग कैपिटल क्या होगी तुम्हारी, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। यानी कि ये भी यही कहती है कि जो न्यू कंसेप्ट है वो भी यही कह रहा है कि वर्किंग कैपिटल क्या होगी तुम्हारी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी को ही हम क्या कहेंगे, ये तुम्हारी क्या है, वर्किंग कैपिटल है। ओके, अब यहां पर तुम्हें कार्यशील पूंजी एक चक्रशील पूंजी भी है, यानी कि तुम्हारी जो कार्यशील पूंजी होती है, वो जो कार्यशील पूंजी जो तुम्हारी क्या कहते हैं वर्किंग कैपिटल है, वो एक तरह से चक्रशील पूंजी भी है। तो यानी कि चक्रशील पूंजी यानी कि एक चलने वाली, यानी कि कहते कंटिन्यूअसली चलने वाली पूंजी भी है ऑपरेटिंग साइकिल, जिसमें हम बात करेंगे ऐसे कि तुम्हारे को एक डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं। फर्स्ट तुम्हारे पास में क्या है, नकद, नकद मीन्स की कैश, ये तुम्हारे पास में अवेलेबल है। ओके, तुमने क्या किया, कैश से परचेज रॉ मटेरियल।
तुमने क्या कर दिया, परचेज रॉ मटेरियल कर दिया, परचेज रॉ मटेरियल से तुमने उसको कहा कन्वर्ट किया, कन्वर्ट इन फिनिश्ड गुड्स, तुमने क्या कर दिया फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर दिया। फिर तुम्हारे पास में क्या हुआ, उसे सेल किया, सेल्स। फिर तुमने क्या किया, सेल्स तुमने क्या किया, सेल्स करने से यंग तुम्हें क्या हुआ, डेटर्स या फिर बिल्स रिसेल्ड लेट, उनको फिर से तुमने किस में कन्वर्ट किया, कैश में। ओके, तो यानी कि फर्स्ट तुम्हारे पास में क्या था, कैश। सेकंड तुमने परचेज किया, थर्ड तुमने कन्वर्ट किया फिनिश्ड गुड्स में, फोर्थ तुमने सेल्स किए, और सेल्स का फिर तुमने क्या किया, डेटर्स जनरेट किया, डेटर्स जनरेट में वापस तुमने लेके दे तुमने कैश दिया। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल जो है वो कंटीन्यूअसली चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। यानी कि कह सकते हैं कि एक तरह से ये डायनेमिक फंक्शन है, यानी कि तुम्हारा कभी रुकता नहीं है। ओके, यानी कि तुम्हारी इसी चीज को न्यू ऑपरेटिंग साइकिल जो तुम्हारी कांसेप्ट है वो इसी चीज को समझता है कि वर्किंग कैपिटल कभी रुकती नहीं है, यानी कि क्या होती है, कंटीन्यूअसली वो चलती रहती है। और अगर कोई ऑपरेटिंग साइकिल जो तुम्हारी है वो अगर फास्ट रन कर रही है, यानी कि क्विकली वो एक्सचेंज हो रही है, यानी कि जल्दी से नगद आना नगद परचेज पर परचेज कर रहे हो, परचेज तुमने कन्वर्ट कर दिया फिनिश गुड्स में, और फिनिश गुड्स को तुमने सेल बना दिया, सेल को तुमने डेटर्स ऑफ क्रेडिटर्स डेटर्स ऑफ बीआर से कैश रिसीव कर लिया। अगर ये कंटीन्यूअसली फास्टली चलती है तो इसका मींस ये क्या हो गया कि तुम्हें वर्किंग कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट होगी, समझ रहे हो। एक अगर कंपनी में ये कांसेप्ट, ये जो प्रोसेस है वो अगर कंटिन्यूअसली चलती रहे, फास्टली चलती रहे, तो इस कंडीशन में उस कंपनी को वर्किंग कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास डेली रूटीन से पैसा आ रहा है जा रहा है, पैसा आ रहा है जा रहा है, तो इस कंडीशन में उसकी वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन उससे वर्किंग कैपिटल ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। क्योंकि आज उसने कैश परचेज किया, फिर कन्वर्ट कर दिया, फिर सेल्स कर दिया, फिर उसको डेटर्स का लोकेशन दे दिया, यानी कि अपन सारे होंगे, तो यानी कि पैसा हाथ में आता रहेगा रूटीनली, उसके बाद में टर्नओवर चलता रहेगा, तो उसे वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता कम महसूस होगी। ओके, अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगला तुम्हारा जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये हम कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल आज डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, कितने टाइप होते हैं। देखो, परमानेंट और रेगुलर और वर्किंग कैपिटल, यानी कह सकते हैं कि या तो परमानेंट या फिर रेगुलर या फिर वर्किंग कैपिटल। अब पहला क्या हो गया, स्थायी अथवा नियमित कार्यशील पूंजी, समझाया गया, यानी कि परमानेंट और रेगुलर और वर्किंग कैपिटल। पहला तुम्हारा कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे वर्किंग कैपिटल के, तो पहला होता है करंट एसेट्स और सेकंड होता है करंट लायबिलिटी, जो अपन ने पढ़ चुका है, तो इसलिए इसमें हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। करंट एसेट्स क्या होती है, वो एसेट जिनको मैं विद इन वन ईयर के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकूं, और करंट लायबिलिटी क्या होती है, वो लायबिलिटी जिनको मैं विद इन 12 मंथ्स या विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर पेमेंट कर सकूं, वो तुम्हारी क्या कहलाती है, करंट लायबिलिटी। यानी कि तुम्हारे पास में कंपोनेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, पहला है करंट एसेट्स और सेकंड है करंट लायबिलिटीज। ओके, करंट एसेट्स वो एसेट्स जिनको मैं विद इन 12 मंथ्स या फिर 1 ईयर के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकूं, करंट लायबिलिटी मींस की दोस लायबिलिटी व्हिच आर कन्वर्टेड इन कैश विद इन नहीं सॉरी व्हिच
आर पेबल इन 12 मंथ्स इन कैश. ओके समझ गया, यानी कि करंट एसेट्स क्या होती है, करंट लायबिलिटी क्या होती है, यही तुम्हारे क्या होंगे कंपोनेंट होंगे वर्किंग कैपिटल के. आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल. काइंड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल जो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. ओके थैंक यू.